स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्या के महत्व से संबंधित विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम पाठ पढ़ाया, उससे संबंधित कुछ श्लोक पढ़ाए, उनका भावार्थ समझाया और व्याकरण में धातु के विषय में समझाया कि धातु का निर्माण यानी धातु किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं, धातु रूप कैसे बनते हैं, इन सब विषयों के विषय में आपको अच्छे से समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको जो पाठ है आपके सिलेबस में पाठ 12 जेतु दानवीर भामाशाह इसके विषय में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर पाठ की जो समरी दी गई है इसको आइए पढ़ते हैं। सिसोदिया वंश में उत्पन्न महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी के मैदान में विशाल सेना से युक्त मुगल सम्राट अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, परंतु परिस्थितिवश अपनी सेना के समाप्त होने पर निर्जन वन में रहकर अनेक कष्ट सहते रहे, घास की रोटी खाकर गुजारा करते रहे। एक दिन जंगल में उनका भूखा पुत्र घास की रोटी का टुकड़ा ज्यों ही खाने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही वन बिलाव झपट कर उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर भाग गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की यह दयनीय दशा देखकर परम प्रतापी बहादुर राणा प्रताप भी निराश हो गए, हताश हो गए, वे बिल्कुल टूट गए। वे धर्म पत्नी को पुत्र को सौंपकर स्वयं एकांत में शिला पर बैठकर सोचते हैं आगे क्या करना चाहते हैं और विधि का विधान क्या होता है। इन सब का चित्रण इस पाठ में किया गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने अकबर को तो बहुत परेशान कर दिया। अकबर को यानी अकबर भी डर गया उनके शौर्य को देखकर, उनके पराक्रम को देखकर। लेकिन क्या हुआ कि कुछ परिस्थिति बस उन्हें जंगल में रहना पड़ा। उनका बेटा घास की रोटी उन्होंने और उनके बच्चे ने, उनके परिवार ने खाई, लेकिन घास की रोटी भी वहाँ के जानवर यानी वन बिलाव छीन कर ले गया। इन सब परिस्थितियों को देखकर राणा प्रताप का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, मेरी वजह से ये सब परिस्थिति उपस्थित हुई है तो मैं अब उनसे संधि कर लेता हूँ, जो दिल्ली के शहंशाह हैं यानी अकबर, उनसे अब हम संधि के लिए हाथ बढ़ाएंगे यानी अब संधि कर लेंगे। उसी के विषय में इस पाठ में पूरा चित्रण किया गया है कि उन्होंने संधि की कि नहीं की, आखिर कौन सी घटना घटित हुई। आगे आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला वाक्य, राज महिषी बालकामदाय अधिकंदरम गच्छति। राज महिषी यानी रानी जो उनकी सम्राज्ञी थी, वह बालक को लेकर अधिकंदर माने जो गुफा, जहाँ पर वह जंगल में गुफा में रहते थे, तो गुफा में जाती हैं। प्रतापा ततो निवृत्य जड़वत शिलाबेदिकाम उपविशति। क्या है कि प्रताप एकदम जड़वत होकर, चेतना शून्य होकर एक शिला से टिककर शिला की वेदी पर बैठ जाता है यानी बैठता है। प्रतापः, अब प्रताप क्या सोचता है, क्या अपने मन में अपने आप से कहता है। हंतः, हाय कीदृशी दशां प्राप्तवान अस्मि। कीदृशी माने कैसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ, आज मैं कैसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ। क्वाशीति पुरा विभाते ब्रंदी ब्रंद कोलाहलः क्लेन्दानीम श्रुति फेरुणाम कर्णकटुको धुनि। सोचते हैं कि कहाँ पहले मैं सुबह जब उठता था तो ब्रंद यानी पशु पक्षियों की, बंधु बांधवों की, मनुष्यों की, सभी की अच्छी अच्छी यानी
कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि को सुनता था और कहा, आज फेरुना मनि श्यारों की कर्णकटु माने कान को कष्ट पहुंचाने वाली ध्वनि को सुनता हूँ। यानी कहा मुझे आज, पहले मैं पक्षियों की, बंधु बांधवों की, मनुष्यों की कान को प्रिय लगने वाली ध्वनि को सुनता था, यानी सुबह जब उठता था तो, और कहाँ आज कानों को कष्ट पहुंचाने वाली इन शियारों की ध्वनि को सुनता हूँ। क्वा महार्घमणि जड़ित तल्प शैनम क्वा चाधुना विविध कुश कष्ट कंकीर्ण कांतर भूमि भूमो निवासनम। कि कहाँ पहले मैं इतने अच्छे, यानी रत्नों से जड़ित, मणियों और रत्नों से जड़े हुए पलंग पर शयन करता था, और कहाँ आज ये कुश यानी कंकड़ों से कांटों से पत्थरों से युक्त कांतारम माने जंगल की भूमि पर, कठोर जंगल की भूमि पर निवास करता हूँ। क्वा पूर्वम यज्ञ शिष्टंधसा चुन्नी वृत्तः। कि कहाँ पहले यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के बाद अपनी क्षुधा को यानी भूख को शांत करता था, यानी अपनी भूख को शांत करने से पहले यज्ञ आदि अनुष्ठान धार्मिक कार्य बहुत सारे कार्य करता था। क्वचिदानीं घास कर पट्टी कायापि ना विभुक्षसा शांति। और कहाँ आज घास की रोटी से भी भूख शांत नहीं होती, यानी कहाँ आज हमें अपनी भूख को शांत किससे करनी पड़ती है, घास की रोटी से। पश्य तावद लोके जना पुत्रार्थे यज्ञम कुर्वते तपांसि आचरन्ति जाति चा पुत्रे प्राणा इव पालयन्ति। पश्य देखो कहाँ लोग, तावद माने तब, लोक माने संसार में, यानी इस लोक में पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, आचरण करते हैं, तब कहीं पुत्र को प्राप्त करते हैं और प्राणों के समान अपने पुत्र की रक्षा करते हैं व उनका पालन पोषण करते हैं। परममय जीवतेव ममात्मजः क्षुधार्तः तृष्टति। पर मेरे जीते जी मेरा पुत्र आज भूख से व्याकुल बैठा है। दिग्मामदन्यम धिक्कार है मुझे, अहमेव हेतु रेतद विपन्नतायः। मेरी वजह से यानी मेरी कारण ही आज इस विपन्नता को प्राप्त हुआ, इस हीन वीन दशा को, यानी इस हीन दशा का मेरे कारण ही प्राप्त हुई है। ये जो आज हमारी दुर्दशा है, आज जो विपन्नता की स्थिति है कि घास की रोटी खानी पड़ रही है, ये स्थिति सिर्फ मेरी वजह से ही उत्पन्न हुई है। अतः परम न शक्यते शोणु, अतः इसलिए अब मैं और अधिक इसको सहन नहीं कर सकता। तत्यक्षते चामया जन्मभूमि रक्षा व्रतम। अब मैं, जो मैंने जन्मभूमि की रक्षा का व्रत लिया है, अब मैं उसका त्याग करता हूँ। विधास्यते न संधि दिल्ली वल्लभेश। और मैं क्या है, क्यों ना मैं दिल्ली के जो बल्लभे यानी दिल्ली का स्वामी कौन है, अकबर के साथ संधि कर लेता हूँ। यानी अब मुझे अकबर के साथ संधि कर लेनी है, करनी है। इत्युदीर संधि पत्र लेखनार्थम मशिपात्रम लेखनीश्च ग्रहणाति। क्या है कि ऐसा विचार करके, ऐसा सोच कर उन्होंने क्या किया कि मसी पात्रम यानी दवात, जो इंक की दवात थी और जो लेखनी थी उसको उठाया, यानी अपनी लेखनी और दवात को, कलम और दवात को उन्होंने संधि पत्र लिखने के लिए उठाया। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उठाया, यावदेव किंचिद लिख आरंभते
तावदेव नेपथ्य ध्वनिना विरमति। क्या जैसे ही उन्होंने कुछ लिखना आरंभ किया, तभी जैसे उन्होंने कुछ लिखना आरंभ किया वैसे ही बाहर यानी नेपथ्य पीछे से ध्वनि को सुनकर विरमति माने रुक गए। वैसे ही जैसे ही उन्होंने लिखना प्रारंभ किया कुछ, वैसे उन्होंने पीछे से एक ध्वनि सुनी, वैसे ही ध्वनि सुनकर रुक गए। नेपथ्य यानी नेपथ्य से पीछे से क्या हुआ, राजन स्वतंत्र दीप स्तम त्वया वीर प्रसु गोत्र की क्या है कि हे राजन, आप तो स्वतंत्रता के दीप हो, तुम तो स्वतंत्रता के दीप हो, दीपक हो, तुम इस वीर पृथ्वी के पुत्र हो यानी वीर योद्धा हो, आप इस वीर पृथ्वी से जन्मे हो, आप स्वतंत्रता के दीप हो, त्वयि धर्मः प्रतिष्ठः त्वयि संधगति राजन कुत्र गन्ता स्वतंत्रता। आप तो धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, अगर आप संधि कर लेंगे, अगर आप संधि में जाते हो यानी संधि करते हो तो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, यानी हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। प्रतापः श्रवण अभिनय यानी सुनने का अभिनय करते हुए, सुनने के का अभिनय करते हुए, को अयम मामी निवार्यत कौन मुझे रोकता है यानी कौन मुझे रोकता है, कियम धर्मः क्या धर्म है यानी मैंने क्या अधर्म किया है, अधर्मश्चेन्नः करिष्यामि संधिम क्या मैं संधि करके अधर्म करूंगा, क्या मैं अधर्म करने जा रहा हूँ संधि करके, तो ये मुझे ऐसे कौन रोक रहा है। इति लेखनी लेखन सामग्री प्रसारयति उत्थाय च और फैली हुई लेखन सामग्री को उठाता है यानी उठा लेता है, जितनी उसने जो दवात और जो लेखनी उठाई थी संधि पत्र लिखने के लिए वह सब समेटने लगता है, उठाने लगता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, प्रतापः प्रताप भूश्चिंताकुलः भूत्वः यानी अत्यधिक चिंता से व्याकुल होकर, अद्य मे पार्श्वे वराटिकापि नास्ति आज मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं है, मातृभूमि रक्षणार्थ मपेक्षितः सेना अपि न विद्यते, मातृभूमि की रक्षा के लिए जितनी सेना चाहिए वह सेना भी आज मेरे पास नहीं है, कथम करोमि तद रक्षा विधान मिति न जाने, ईश्वर ही जानता है कि मैं कैसे किस प्रकार से इसकी रक्षा करूं यानी कर सकता हूं, कैसे मैं रक्षा करूं। इति परिक्रामति इस प्रकार से घूमते हुए जैसे ही वह घूमे, तत् प्रविशति भामाशः सेवकेरनुस्त्राणाः कि जैसे ही वह ऐसा सोचते हुए घूमे वैसे ही सेवकों के पीछे भामाशः ने भी प्रवेश किया। भामाशः हस्तो उद्यम्य यानी दोनों हाथों को उठाते हुए, विजयताम विजयताम महाराजा विजय हो आपकी विजय हो महाराज। प्रतापः परिक्रम्य भामाशः लोक्य च यानी भामाशः को घूमकर पलटकर भामाशः को और जैसे उनकी तरफ घूम गए और भामाशः की ओर देखा, अगम्यताम अगम्यताम कथस्मिन् व्याघ्र भल्लूक दुर्गमे कांतारे भवताम उपस्थितः आइए आइए इस भयंकर दुर्गम जंगल में जो कि व्याघ्र और भालुओं से भरा हुआ है उसमें आज किस लिए यानी किस कारण से उपस्थित हुए हैं। भामाशः महाराज केवलम भवताम दर्शनाभिलाषे एवं माम नयति कि महाराज केवल आपके दर्शन की अभिलाषा से मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रतापः
आश्यताम तावद मंत्र, तब आइए मंत्रीवर आइए। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, स्वयं अपि माने स्वयं भी, तत् समीपवर्तित समीपवर्ती शिला पट्यमिति कि क्या है कि ऐसा कहकर स्वयं समीप में रखी हुई शिला पर बैठ गए। भामाशः प्रतापम चिंतामग्नम वीक्ष, भामाशः प्रताप को चिंतामग्न देखकर महाराज कथम चिंता हुताशन पीड़िता इवा लक्ष्यन्ति श्रीमंता, कि ही महाराज ये चिंता रूपी अग्नि में आप लगातार श्रीमंत क्यों जल रहे हैं। प्रतापः मंत्रीवर, ना मे चिंता विषयः कुटुंबदायः, कि हे मंत्रीवर मेरी चिंता का विषय केवल मेरा परिवार नहीं, मेरा कुटुंब नहीं, इदानीं तु मातृभूमि स्वतंत्रता विषयणी चिंतेव मा बाध्यते, ये तो मातृभूमि की स्वतंत्रता के विषय में चिंता है जो मुझे अत्यधिक बाध्य कर रही है, यानी मुझे परेशान कर रही है। मातृभूमि गौरव शशांक चित्रपुर दुर्ग स्तावद धुनापि रिपु राहुणा ग्रस्यते, क्या है कि जो भारत भूमि के गौरव रूपी जो चंद्र के समान चित्रौड़ का दुर्ग है वह आज शत्रु रूपी राहु ने ग्रस लिया है, यानी शत्रु रूपी राहु ने उसको ग्रसित किया है, उस पर ग्रहण लगाया है। ना दृश्यते कोमुपाश्य तस्य मोक्षणाय, कि मुझे कोई भी उसकी मुक्ति का उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। भामाशय कथम ना दृश्यते महाराजा, किस प्रकार नहीं दिख रहा है महाराज। प्रतापः मंत्रीवर स्वयमेव पश्यन्तु भवन्तः, आप स्वयं ही देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं। अद्य सतत समीक प्रसंगेन विनिष्टामि सेना कोश संचयादि तत् पुनर्संगठनपि असंभवमिपि लक्ष्यते, असंभवमिव लक्ष्यते, क्या है कि आप स्वयं देख सकते हो कि आज क्या है मेरे जो यज्ञ जो युद्ध हुआ है उसमें जो मेरी सेना थी वह पूरी विनिष्ट हो गई यानी नष्ट हो गई, और कोष भी पूरा समाप्त हो गया है, और उस कोष का पुनर्संगठन मपि यानी उस कोष का पुनर्संगठन करना यानी खजाना इकट्ठा करना, इतना सारा धन इकट्ठा करना असंभव है, इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं हो सकता। कोशम सैनाश्च बिना कथम योत्सये यत्येव मे चिंता विषयः, कि कोष और सेना के बिना किस प्रकार मैं युद्ध कर सकता हूँ यह मेरी चिंता का विषय है। ये सब मैं कोष और सेना के बिना कैसे कर सकता हूँ यही मेरी चिंता का मुख्य विषय है। भामाशय, अब भामाशय क्या कहते हैं, महाराज एदत अर्थम मा विषीद, आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, आप इस प्रकार दुखी मत हो। भवताम कुल सेवकस्तु वर वर्ती एव, क्या है कि भवताम माने आपका ही कुल सेवक अवश्य ही कोई उपाय निकाल लेगा यानी कोई ना कोई युक्ति निकाल लेगा। इत्युक्तः सेवकेर नियमानः धनराशिस्तीनि प्रताप पादयोर अर्पयते, क्या है कि इस प्रकार कहकर सेवकों के द्वारा लाए हुए धन राशि को क्या किया, भामाशह ने प्रताप के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रतापः सविस्मयम कि यानी आश्चर्यचकित पूर्वक आश्चर्यचकित होकर, किमिदं किमर्थं वा मंत्रीवर, किस प्रकार किस लिए मंत्रीवर ये सब किस प्रकार किस लिए। भामाशय महाराज निधिरयं मंत्री रूपेण अस्माभि कुल परंपराया श्रीमद्यभ्यः यवोपार्जितः, कि हे महाराज यह धन मैंने मंत्री के रूप में
आपकी कुल परंपरा के अनुसार ही इसको उपार्जित किया है, यानी कमाया है। अद्य मातृभूमि गौरव रक्षणार्थम, कि आज मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए विद्यते आवश्यकता, अतः इसकी अत्यधिक, यानी मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए इसकी विद्यते मानी जरूरत है, यानी अत्यधिक आवश्यकता है, अतः समर्पयामः श्रीमद्भ्यः, कि आज मैं आपको इसीलिए ये समर्पित कर रहा हूँ। मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, इसीलिए आज मैं आपको ये समर्पित करता हूँ। इयम स्वीकृति, इसको स्वीकार करके माम अनुग्रहणंतु श्रीमंतः, यानी मुझे अनुग्रहित कीजिए हे श्रीमान, इसको स्वीकार करके मुझे मुझ पर अनुग्रह कीजिए। प्रतापः मंत्रीवर, हे मंत्री जी, मंत्रीवर अस्य मातृभूमि त्वादृकः पुत्ररत्नं विधीयते न तां कश्चिदपि अक्रांतः पराधीनं कर्तुं शक्तः, कि हे मंत्रीवर इस मातृभूमि पर जब तक आपके समान पुत्र रत्न है, विद्यमान है, आपके समान इस मातृभूमि पर जब तक पुत्र रत्न के समान, यानी पुत्र रत्न है, विद्यमान है, ना ताम कश्चिदपि, तब तक कोई भी आक्रांता, कोई भी आक्रमणकारी इस पृथ्वी को पराधीन नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। इत्युदीर्घम स्व आसनम उत्थाय भामा से आलिंगति प्रतापः, कि इस प्रकार कहकर, ऐसा कहकर अपनी आसन से उठकर प्रताप ने भामाशाह को आलिंगन में भर लिया, यानी गले से लगा लिया। नेपथ्य माने पीछे से आवाज आती है, यानी नेपथ्य से जयति जयति त्याग धर्म परायण भामाशाह, की त्याग और धर्म परायण भामाशाह की जय हो, जय हो। तो बच्चों ये तो पाठ था जयति दानवीर भामाशाह। अब आइए देखते हैं आज के व्याकरण में आपके लिए क्या है। व्याकरण में आपके लिए है आज प्रश्न निर्माण। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है प्रश्न निर्माण। देखिए आपकी किताब में हमेशा, यानी आपकी जो किताब है संस्कृत वाणी, उसमें जितने भी पाठ हैं उसमें एक एक्सरसाइज ये जरूर होती है जिसमें आपको प्रश्नों का निर्माण करना होता है। तो आज का टॉपिक प्रश्न निर्माण, जिसमें मैं आपको प्रश्न निर्माण करना सिखाऊंगी। तो आइए बच्चों इसको समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना। तो प्रश्न निर्माण करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वह कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं, जिनका हमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न देना चाहिए। देखिए सात विभक्तियां होती हैं, सातों विभक्तियों में जिस भी विभक्ति का प्रश्न हो यानी उत्तर हो उसी विभक्ति में हमें प्रश्न देना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किस पुरुष का ये यानी उत्तर में जो प्रश्न निर्माण करना है हमें, वो उसमें पुरुष कौन सा है और वचन क्या है उसका, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत के सभी प्रश्नवाचक शब्दों को याद होना चाहिए, यानी संस्कृत में जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, उनको हमें अच्छे से याद करना चाहिए। जैसे किम है, किम का क्या होगा, क्या, यानी किम का क्या अर्थ है, क्या। कह कौन, का कौन। देखिए ये जो का है, कहा है जिसमें विसर्ग लगी है, ये पुल्लिंग है, इस पुल्लिंग के लिए हम कहा का प्रयोग करेंगे। और जो आ की मात्रा जिसमें लगी है का, ये स्त्रीलिंग के लिए हम कौन का प्रयोग करेंगे। जब हमें स्त्रीलिंग में कौन लिखना है
तो हम का का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग में कौन लिखना है तो कहा का प्रयोग करेंगे। हम देखिए कदा कब किमर्थम क्यों कुतः कहाँ से कुत्र कहाँ कति कितने कथम कैसे। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं, कौन कौन से, जैसे किमर्थम कियत और किम। देखिए किम तीनों पुरुषों में होते हैं, यानी तीन लिंगों में होते हैं। किम तीन लिंगों में अलग अलग चलते हैं, जैसे पुल्लिंग के किम के रूप अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग होते हैं और नपुंसक लिंग के अलग होते हैं। कदा कुत्र कुतः कति क्वा कथम कीदृशी कीदृशम कीदृशः। देखिए कीदृशः जो है वो पुल्लिंग के लिए हम इस प्रयोग करते हैं और कीदृशी स्त्रीलिंग का प्रश्न निर्माण करने के लिए और कीदृशम ये नपुंसक लिंग के हम प्रयोग करते हैं। यानी जब हम प्रश्न का निर्माण नपुंसक लिंग के लिए करते हैं तो कीदृशम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्यों का प्रयोग किया गया है, कुछ वाक्यों के माध्यम से आपको समझाया गया कि कैसे हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। जैसे कक्षायाम अब कति है, ये संख्यावाचक है, तो कति माने कितने। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कक्षायाम 300 छात्राः सन्ति, तो अब हमें क्या 300 दे रखा है कक्षायाम और ये स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या करना है, कक्षायाम 300 दे रखा है, इसी की जगह पर हमें क्या लिख देना है कति। बाकी का पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा, केवल जहाँ पर संख्या पूछी है यानी संख्या दी हुई है वहीं पर हमें प्रश्नवाचक शब्द कति लगा देना है। तो क्या वाक्य बनेगा, प्रश्न का निर्माण कैसे होगा इसमें, कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। अब अगला देखिए गृहे पंच जनाः सन्ति, अब गृहे कति जनाः सन्ति, केवल पंच की जगह यानी संख्या की जगह पे हमें क्या लगा देना कति। उपवने विंशति वृक्षाः सन्ति, तो विंशति यानी संख्या सूचक है तो संख्या की जगह पर हम क्या लगा देंगे कति। उपवने कति वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ देखिए साइड में ये लिखा हुआ है किम कुत्र कदा किमर्थम कथम कुतः कति। अब आइए आगे देखते हैं, अब कुतः कहाँ से, अब इसे संबंधित वाक्य देखते हैं, इनसे यानी कुतः से संबंधित प्रश्न का निर्माण करते हैं वाक्य का। जैसे दिनेशः ग्रामात् आगच्छति, कि दिनेश गांव से आता है, तो इस कहाँ से। अब अगर देखिए यहाँ पर आप अगर उसका अर्थ जानेंगे कि दिनेश कहाँ से आता है तो आराम से प्रश्न का निर्माण, गांव से आता है। अब अगर हम प्रश्न करेंगे कि दिनेश कहाँ से आता है तो अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगेगा, कुतः। कुतः मीन्स कहाँ से, तो क्या बनेगा दिनेशः कुतः आगच्छति। अब लता विद्यालयात आगच्छति, तो अब इसमें क्या होगा विद्यालयात और इसके स्थान पर क्या लग जाएगा, विद्यालय से आती है। और अगर हम प्रश्न पूछेंगे यानी प्रश्न बनाएंगे इसका तो क्या कहेंगे कहाँ से, तो कहाँ की संस्कृत क्या होगी कुतः। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर कथम, कथम से संबंधित वाक्य दिए हैं। कथम मीन्स होता है कैसे। सुरेशः वसयानेन नगरं गच्छति, तो वसयान से, अब देखिए सुरेश वसयान से नगर को जाता है। अब हम अगर इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा कैसे जाता है, सुरेश नगर को कैसे जाता है, तो कैसे की संस्कृत क्या होगी कथम।
तो क्या वाक्य बनेगा? सुरेशः कथं नगरं गच्छति। अब दूसरा देखिए, महिला द्विचक्रिकाया गच्छति, तो क्या होगा? महिला कथं गच्छति। मृगः तीव्रं धावति, तो इसका प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे? मृगः कथं धावति, कैसे दौड़ता है। अब अगला देखिए, किमर्थम यानी क्यों किस लिए। किमर्थम का क्या अर्थ है? क्यों किस लिए। अगर हमें क्यों और किस लिए से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना है तो हम क्या लगाएंगे? किमर्थम। आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहना पठनाय विद्यालयम गच्छति। अब देखिए, यहाँ मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब हम प्रश्न क्या करेंगे? मोहन किस लिए विद्यालय जाता है, तो क्या बनाएंगे? प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? मोहना किमर्थम विद्यालयम गच्छति। अब अगला उदाहरण देखिए, बालकः क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। तो बालकः किमर्थम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। अब अगला उदाहरण, जनः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। तो हम इसका प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे? जनः किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति। अब अगला देखिए, कदा। कदा यानी कब। उमेशः प्रातः काले भ्रमति। अब देखिए, उमेश प्रातः काल घूमता है यानी टहलता है। तो अगर हम इसमें प्रश्न पूछेंगे यानी प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क्या कहेंगे? उमेश कब घूमता है या कब टहलता है, तो क्या बोलेंगे? उमेशः कब की संस्कृत क्या होगी? कदा। तो कैसे वाक्य बनाएंगे यानी प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे? उमेशः कदा भ्रमति, गीता अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। गीता कदा विद्यालयं गच्छति। गौरवः मध्याह्ने भोजनं खादति। गौरवः कदा भोजनं खादति। अब आइए कुत्र से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं। जैसे कुत्र मीन्स क्या होता है? कहाँ। कुत्र माने क्या होता है? कहाँ। अब जैसे महेशः विद्यालयं गच्छति, तो महेश विद्यालय को जाता है। अब अगर हम प्रश्न का निर्माण करेंगे यानी इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि महेश कहाँ जाता है, तो कहाँ की संस्कृत क्या होगी बच्चों? कहाँ की होगी? कुत्र। तो क्या बनेगा? महेशः कुत्र गच्छति। अब रमा नगरम गच्छति, रमा कहाँ जाती है? रमा कुत्र गच्छति। उमा गृहे अस्ति, उमा कुत्र अस्ति, उमा कहाँ है। वैसे उमा गृहे माने घर में है, उमा घर में है। और अगर हम इसमें प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? उमा कुत्र अस्ति, उमा कहाँ है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? किम। किम माने क्या होता है? क्या। तो इसका क्या होगा? मोहना फलम खादति, मोहन फल खाता है। और अगर हम प्रश्न बनाएंगे, इसका प्रश्न का निर्माण करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि इससे प्रश्न का निर्माण करिए तो क्या होगा? मोहना किम खादति, क्या खाता है। लता जलम पिबती, लता किम पिबति। अजह वस्त्रम धारयत, अजह किम धारयत। इसी तरह से आपको इन प्रश्न सूचक शब्दों को याद करना है अच्छे से बच्चों, तभी आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ये जो कुतहा कति कुत्र ये किस तरह के प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब जैसे ये कुतः है, कुतः मीन्स कहाँ से, तो ये स्थान का बोधक कराता है यानी स्थान का बोध कराता है, किसी स्थान के विषय में ज्ञान कराता है, तो ये स्थानवाचक होगा। कति यानी कितने, ये किसी भी संख्या का ज्ञान कराता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक।
कुत्र कहाँ, ये भी स्थानवाचक होगा, इससे भी स्थान का ज्ञान होता है। ठीक है, कुत्र और कुतहा दोनों स्थानवाचक हैं। अब अगला देखिए कि कदा, ये क्या है, कदा क्या है बच्चों, कदा है समय सूचक, यानी इससे हमें कदा मीन्स होता कब, यानी समय का ज्ञान होता है, ये हमें समय का ज्ञान कराता है, इसीलिए ये कौन सा होगा, समयवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। अब किमर्थम, किमर्थम किमर्थम होता है यानी किस लिए, उद्देश्यवाचक, किस उद्देश्य से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। कथम कैसा या कैसे, तो किस प्रकार, यानी विधि का ज्ञान कराता है, ये विधिवाचक होगा। तो बच्चों ये तो हो गए प्रश्नवाचक शब्द, और उनसे किस तरह से प्रश्नों का, यानी ये जो प्रश्नवाचक शब्द है जो मैंने आपको समझाए, और इनसे किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, वाक्यों में इनका कैसे निर्माण करना है, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। आप सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों को याद कीजिए, उसके बाद उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रत्येक पाठ में लगभग एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना होता है, इसीलिए ये आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और याद कीजिए। अब आइए देखते हैं आपके लिए होमवर्क में क्या है। आपके लिए होमवर्क में है ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, इन प्रश्न यानी इन शब्दों को कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए अच्छे से।